आईपीएस डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता जी की बात करें जो कि जम्मू सांबा और कठुआ रेंज के डीआईजी हैं, उन्होंने आज पहले दिन ही जो है गांधीनगर की बात करें तो वहां पर अपना पहले दिन ही दौरा किया और वहां पर एक मीटिंग जो है वो गठित की, जहां पर एसएचओ की बात करें और पुलिस की टीम की बात करें उनके साथ अहम जो है चर्चा वहाँ पर की और इस चर्चा में क्या कुछ बातें हुई वो भी हम आप तक साझा करने का प्रयास करते हैं। सलूट है इस तरह के अफसर्स को जो पहले दिन से ही जो है एक पुलिस के साथ मीटिंग के दौरान ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है जिस तरीके से कई बार थाने में बर्डन किस तरीके से चल रहा है, स्ट्रेस किस तरीके से चल रहा है, किस तरह के केसेस वहाँ पर आ रहे हैं, कितने हल हो पाए हैं, इसका पूरा जायज़ा जो है वो आज डॉक्टर सुनील गुप्ता जी ने लिया। और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द जो खास तौर पर जो चोरी के मामले हैं या फिर NDPS की बात करें, पासको की बात करें या फिर वाहन चोरी के मामले हैं, इनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए ताकि पब्लिक को किस तरह की भी जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, कोई भी जो कंप्लेन दायर करने आता है उसको ज़्यादा समय जो है वो ना लगे, उनकी कंप्लेन पर जल्द से जल्द जो है अमल किया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सुनील गुप्ता जी का जो है जो कि IPS हैं DIG जम्मू सांबा कठुआ रेंज के, उन्होंने आज एक सरप्राइज़ विजिट जो है पहले दिन ही अपने कार्यभार के दौरान जो है वो की और वहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन में SHO से बातचीत की और पूरी टीम के साथ पूरे स्टाफ के साथ बातचीत की और ये कहा कि हमारा फोकस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, खास तौर पे वाहन चोरियों के केसेस बात करें, NDPS की बात करें, पॉस्को की बात करें और स्पेशल रिपोर्टेड केसेस जो होते हैं उन पर बातचीत की जाए और जो बीट सिस्टम रहता है उस बीट सिस्टम पर भी जो है ध्यान केंद्रित किया जाए। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस आए दिन बेहतरीन काम करती भी है उसको भी हम अपने चैनल के माध्यम से उजागर करते हैं, लेकिन जब इस तरह के DIG हों जो अपने पहले दिन के कार्यभार में ही एक सरप्राइज़ विजिट करें और वहाँ के SHO के साथ मीटिंग करें, वहाँ के जो पूरा स्टाफ है उनसे बातचीत करें और उनसे उनका उस थाने का हालचाल पूछें कि वहाँ पर किस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरह का मेंटल स्ट्रेस वहाँ पर है, किस तरह से वहाँ पर जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनकी ग्रीवेंसेस सुनी जाए, प्रायोरिटी दी जाए कि जो भी लोग वहाँ पर किसी भी मामले को लेकर शिकायत दर्ज करने आते हैं उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए और ज़्यादातर इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि केसेस जो हैं वो ज़्यादा पेंडिंग या फिर डिले ना हो, उसे जल्द से जल्द जो है सुलझाया जाए, चाहे वो वाहन चोरी के मामले हो, पासों का मामला हो या थ्रेटिंग का मामला हो या किस तरह के भी मामला हो, उस पर जल्द से जल्द जो है गौर फरमाया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। और इस तरीके से अगर कार्यशैली पहले दिन से ही देखने को जिस तरह से मिली DIG डॉक्टर सुनील गुप्ता की और कहीं ना कहीं एक हौसला बुलंद करती है तमाम उन अफसरों का, मैं बात करूं गांधीनगर SHO की बात करें, उनकी टीम की बात करें, जब अपने सीनियर अफसरों के साथ जो है उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, उनसे चीज़ें सीखने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा काम जो है वो या फिर कह सकते हैं कि अच्छी दिशा की तरफ जो है काम वो जल्दी होता है। ख़ास तौर पर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि देखिए जी आम पब्लिक को किस तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर शिकायत दर्ज करने आता है उनकी शिकायत जो है प्रॉपर तरीके से सुनी जाए और ख़ास तौर पे IO अफसर की जो जिम्मेवारी बनती है वो पूरी ब्रीफिंग करे उस केस की, पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और पूरी डिटेल्स जो है वो जल्द से जल्द सबमिट करे ताकि आम जनता को इसकी जो है परेशानी ना हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स से जरूर दीजिएगा। देखते चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।